हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एरियल स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल संविधान था उसमें कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। जो नई जोड़ी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? 9, 10, 11, 12। 9 में आता है संपत्ति अधिग्रहण, 10 में आता है दल बदल, और जो 11 है उसमें आता है पंचायती राज, और जो 12 है उसमें आता है नगरीय निकायों के बारे में। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ? तो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते ये किसमें आते हैं? ये दूसरी अनुसूची में आते हैं। पहली अनुसूची है जो उसमें आते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, और जो तीसरी अनुसूची है उसमें आता है शपथ का प्रारूप है, और जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा से स्थानों का आवंटन है। अगला प्रश्न आप लोगों का, हमारे संविधान में आर्थिक योजना किस में शामिल है? तो जो हमारे संविधान में आर्थिक योजना है ये समवर्ती सूची में आती है। किस में आती है? समवर्ती सूची में आती है। जो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक योजना को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों का, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये किसमें आता है? केंद्रीय सूची में, यानी संघ सूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, जंगल भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो जो जंगल या वन है भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? ये आता है समवर्ती सूची में आता है। किसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है, जिसमें इस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इनमें से वो कौन सा है? कृषि। दिए गए विषयों में कृषि का विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा संघ सूची का विषय है, और जो जबकि जो दंड विधि है और शिक्षा ये समवर्ती सूची में आते हैं। जो दंड विधि है और शिक्षा ये किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। और रक्षा किस में आता है? ये आता है, जो रक्षा है वो संघ सूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो भूमि तथा भवन पर लगने वाला जो कर है वो किसमें आता है? राज्य सूची में आता है। किसमें आता है? राज्य सूची में। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा है? शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स, जो मजदूर संघ है, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण और जंगल, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। जबकि जो शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार है ये किस में आता है? ये संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न आप लोगों का, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जो 92 संविधान संशोधन हुआ था इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो इनमें से वो कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ये आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं, जबकि संस्कृत, सिंधी और नेपाली हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो दल बदल कानून है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये आता है 10वीं अनुसूची में आता है। किसमें आता है? 10वीं अनुसूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा है जो केंद्रीय सूची में नहीं है? तो वो कौन सा है?
मजदूर संगठन। कौन सा है? मजदूर संगठन जो है ये केंद्रीय सूची में नहीं है। कौन सा? मजदूर संगठन। ये समवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 22 में मजदूर संगठन या व्यापार संघ का प्रावधान है, जबकि जो जनगणना है, बैंकिंग है एवं जो विदेशी ऋण है ये संघ सूची के विषय है। ये तीनों संघ सूची के विषय है। ये आप लोगों के वन लाइन क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का विषय किस सूची में वर्णित है? तो ये किसमें आता है? राज्य सूची में। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया गया है? तो ये किसमें आता है? 8वीं अनुसूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये किसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये किसमें आता है? राज्य में। अगला प्रश्न आप लोगों का, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये किसमें आता है? केंद्रीय सूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? ये आती है केंद्रीय यानी संघ सूची में आता है। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो ये आता है पहली अनुसूची में। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो जो शपथ है वो किसमें आता है? तीसरी अनुसूची में। अगला प्रश्न आप लोगों का, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? तो ये आता है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो रक्षा, अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य और जो बैंकिंग है ये आते हैं संघ सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो ये कौन सा है? ये संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? ये 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उससे। अगला प्रश्न आप लोगों का, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो जो 52 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उससे। अगला प्रश्न आप लोगों का, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो कौन सा? समाजवादी। अगला प्रश्न आप लोगों का, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये किसमें जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। ये आप लोगों के संवैधानिक अनुसूचियों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के इस वीडियो में करवा दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक पे हम लाते हैं जो कि पंचायती राज है, वो अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।